देखा शार्क्स, मैं हमेशा ऐसे ही पकड़ा जाता हूँ। अच्छा ये कंटेस्टेंट है भाई, क्या बात है, इसे बोलते हैं पिचिंग, वेरी नाइस, सीख कुछ चमन सीख, इसे कहते हैं पिच की ओपनिंग। बताओ बॉस बताओ, आई एम वेरी क्यूरियस। सो शार्क्स, मेरे को ना एक्चुअली एक बीमारी है, एक्चुअली ये बीमारी का नाम है चोरी, और बचपन से ही मेरे को चोरी करने का ना बहुत ही ज्यादा शौक है, और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को ऐसा नॉर्मी पॉकेट मार नहीं बनना है, मेरे को बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल और वर्ल्ड फेमस चोर बनने का है। वाओ, सो मेरा ये ऑफर है कि मेरे को चाहिए 2 लाख रुपए और मैं आपको दूंगा 10% इक्विटी। भाई 2 लाख रुपए का क्या करेगा तू, चोरी का क्रैश कोर्स करेगा? देखो 2 लाख में से पहले तो 20% मैं VM फंड्स में डालूंगा, और बाकी के 80% से ना मैं एक सेकेंड हैंड हायाबुसा खरीदूंगा। वो क्या है ना, हायाबुसा से चोरी करूंगा तो शायद मैं एक दिन जॉन अब्राहम जैसा चोर बन जाऊंगा, फिर उसके बाद 30 बार खान जैसा बन जाऊंगा, और एक ना एक दिन मनी हाइस्ट का प्रोफेसर तो बन ही जाऊंगा यार। तो ये आपका विजन है? अरे विजन तो वोंडा के पास है, मेरा तो मिशन है, मेरे को ना खुद का एक दिन चोरी का ऐप लॉन्च करना है, जिसका नाम होगा जरा जरा कैच मी। कैच मी? कैच मी? नहीं नहीं, जरा जरा किस मी। किस मी? किस मी? अरे नहीं, जरा जरा होल्ड मी, होल्ड मी, होल्ड मी। अरे जरा जरा। ओ ओ, अबे इधर लिटिल चैंप्स नहीं चल रहे भाई, तू अपने ऐप के बारे में बता। ओके सर, तो मैं मेरे प्रॉफिट में से 20% VM फंड में डाल दूंगा और बाकी का प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर लूंगा। ओके भाई, मैं कब से सुन रहा हूँ VM फंड, मैंने PM फंड सुना है, CM फंड सुना है, अब ये VM फंड क्या है? अरे सर, VM फंड मतलब विजय माल्या फंड। वो क्या है ना, कभी भी बिजनेस में ऊंच नीच हुआ ना तो ये फंड लेकर पहली फ्लाइट पकड़ के लंदन सेटल। वाह भाई, इसका तो फ्यूचर पहले ही सिक्योर्ड है। भाई सुन, मैं ना तेरे को एक ऑफर देने को तैयार हूँ, मैं ना भारत दे का फाउंडर हूँ, भारत दे ना इतना बड़ा ऐप है, वसूलने का ऐप है, इनकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। तो इस देश में जितने भी गुंडे मवाली वसूलने वाले बैंक वाले डॉन जो भी है ना, सब वसूलते हैं पैसे मेरा QR कोड यूज करके, तो तू मेरे को ज्वाइन कर ले, मैं तेरे को उनका कॉन्टेक्ट दिला दूंगा। अरे तुझे चोरों का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, मुझसे बड़ा चोर और कोई है ही नहीं। और चेंज आई एग्री विद हिम। तूने अमन गुप्ता का नाम सुना है? अरे वही बोट वाला, उसका मैंने बोट का कंसेप्ट चुरा के अपना गोट बना लिया, इससे बड़ी चोरी और क्या होगी? चोरी नहीं, इसे चिंदी चोरी बोलते हैं। भाई देख, तू भी अकेले चोरी तो करेगा नहीं, तो मेरे जो 300 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उसके 600 वॉचमैन की मदद से हम किसी भी सोसाइटी में चोरी कर सकते हैं यार। सस्पिशियस डिलीवरी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो तेरी डिलीवरी करवा देंगे। नहीं कर पाएंगे, मेरे गेट पे 2000 वॉचमैन रोक देंगे उसे, हम गेट तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। अबे गेट है, इसका हेडफोन नहीं, टूट जाएगा ऐसे। एक मिनट भाई सुन, मैं ना तेरे लिए जबरदस्त ऑफर लाता हूँ, एक ओ ऑनियन उत्तपम। छोड़ इन लोग को, तुझे क्या 2 लाख चाहिए ना, मैं तुझे 4 लाख देता हूँ, छोड़ भाई कार ले ले, बनाओ अभी 4 लाख का चेक बनाऊ। सुन भाई बॉस, हमारे पास ना तेरे लिए एक बढ़िया सा ऑफर है। सॉरी सर, नो ऑफेंस, बट मुझे लगता है कि बबीता जी के पास मेरे लिए कोई मस्त ऑफर है, वो डायरी में कुछ तो लिख रही है देखो। नहीं नहीं, मैं तो कब का आउट हूँ, मैं तो आपकी ड्राइंग बना रही थी। भाई तू सुन, हम दोनों शार्क इग्नोर है, टोटल 6 लाख देने को तैयार है, 5-5% इक्विटी, बस हमारी एक शर्त है, तू ना 4 लाख चमन से चुरा के हमें देगा। तू बता त्रिलोन है? ठीक है, डन डन, गुड डील गुड डील। भाई ये बढ़िया काम किया तुमने, अबे हार नीचे का कमीज फट जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, एक ही डील में तुझे 3-3 शार्क मिल गए। 3 के से 2 ना आप और ये उत्तप्पा। अबे एक चमन भी तो है, बस उसको मालूम नहीं है उसके पैसे चुराने वाला है तू।